वेलकम टू ड्रीमलैंड। हम अपने सभी दर्शकों को उनके सपने की व्याख्या के फेवरेट चैनल ड्रीमलैंड पर स्वागत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है सपने में राइटिंग करना, यानी कुछ लिखना। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि वो कुछ राइट कर रहा है तो इसका मतलब है कि धोखा, झूठ, फ्रॉड बोलेगा। अगर किसी सपने में देखा कि आपकी राइटिंग बहुत गंदी यानी बैड राइटिंग है या आप लिख सही नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अगर लोगों को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं तो अब ये सब धंधे छोड़ देंगे। अगर किसी व्यक्ति ने देखा कि वो कुछ लिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको अपने माता पिता की जानिब से कोई पैसा मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी पेज पर कुछ लिखा है और सपना देखने वाला उस लिखाई को नहीं मानता तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला और लोगों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा होगा। अगर किसी व्यक्ति ने सपने में देखा कि वो कोई बुक राइट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो दो नंबर धंधे से पैसा कमाएगा। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसकी शर्ट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अगर तो वो उसकी कोई धार्मिक लाइन है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला अपने धर्म के लाइफ बिताएगा। और अगर कोई व्यक्ति देखे कि उसकी कमीज पर, उसकी शर्ट पर कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जो उसके धर्म से ताल्लुक नहीं रखती तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला गलत कामों में पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसने कुछ लिखा है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय पर उसको कोई अजीब व गरीब ऑर्डर सुनने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सपने में देखे कि उसने खत लिखा है लेकिन खुद उसको समझ नहीं आ रही कि उसने क्या लिख दिया है तो इसका मतलब है कि सपना देखने वाला झूठ बोलता है, धोखा देता है, फ्रॉड करता है। मैं आशा करता हूँ कि आपका सपना आपके लिए अच्छी व्याख्या बने। अनुमति चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए सपने की व्याख्या के साथ।